कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा के विद्यार्थी सशक्तिकरण कार्यक्रम में हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रबंध तंत्र की उपाध्यक्ष वर्षा मैम का, सचिव श्री उमेश साह जी का, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का, प्रबंध तंत्र के बहुत ही डायनेमिक सदस्य श्री संजू छावड़ा जी का, अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अभय श्रीवास्तव जी का, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला जी का, हमारे आगे बैठे हमारे अनुज डॉक्टर मनीष शर्मा जी का, डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर हरीश शुक्ला जी का, डॉक्टर चमन कौर जी का, और सभी बच्चों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी मुख्य अतिथि वर्षा मैम से, अपने सचिव सर से, प्रबंध तंत्र के सदस्य श्री संजू छावड़ा जी से, प्राचार्य जी से, मंचासीन सभी अतिथियों से मैं आग्रह करती हूँ कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, दीप प्रज्वलित करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतुते पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, ज्ञान ज्योति
के कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए अपने प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ। आप आए सभी का स्वागत करें। एक संक्षिप्त आज हम लोगों के बीच में परिवार के ही सभी सदस्य हैं, लेकिन परिवार में भी स्वागत सम्मान होना चाहिए। हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिन प्रतिदिन जिनका मिलता रहता है, प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष महोदय का, आपका महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महाविद्यालय के कर्मठ और दूरदर्शी सचिव श्री उमेश शाह जी, आप हमेशा कॉलेज में कैसे नवीन चीजें, हम आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से कैसे अपने विद्यार्थियों को कनेक्ट करें इस बारे में सोचते रहते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सचिव साहब के दाहिनी तरफ बैठे हुए श्री संजीव छाबड़ा जी, आप प्रबंध समिति के माननीय सदस्य हैं और बड़ा अच्छा संयोग है कि आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है और चीजों को कैसे आगे ले जाना है हम इस तरह से देखें तो पूरा आपका प्रबंध तंत्र छात्र हित के बारे में हर समय सोचता विचारता रहता है और आज आप मंच पर उपस्थित हैं। मैं पूरे महाविद्यालय शिक्षक और शिक्षकेतर सभी कर्मचारियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये शिक्षक कल्याण समिति, सॉरी छात्र कल्याण समिति, ये आप ही लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी व्यवस्था शासन ने बनाई है कि छात्रों को जो उनकी आवश्यकताएं हों, कि किन्हीं कारणों से अगर वो शिक्षा को आगे ले जाने में बाधा आ रही हो उसे दूर किया जाए। प्रबंध तंत्र इससे पढ़ करके एक स्टेप और आगे सोचता है कि किसी भी प्रकार की समस्या, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि किसी अभाव में वो पढ़ न सके, वो चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे संसाधनों का रूप हो, चाहे उसका कहीं पर उत्साह अगर कम हो रहा हो तो उसका उत्साहवर्धन भी किया जाए। इस समिति के संयोजक प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपकी समिति ने उस कल्याण समिति का एक नया नाम दिया। कर जब बैठक हुई तो छात्र कल्याण समिति, चूंकि एक प्रोटोकॉल के तहत वो नाम है, तो आपने कहा कल्याण को जो है थोड़ा सा सब बदला जाए और सब लोगों ने मिल करके चुना कि इसको छात्र सशक्तिकरण किया और ये नाम चेंज कर दिया गया। प्रोटोकॉल में तो अकाउंट ऑफ छात्र कल्याण के नाम से खुला हुआ है क्योंकि वो वही हो सकता है, लेकिन इसका ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट हो गया कि हम कैसे आपको सशक्त बनावें। तो शुक्ला जी से हमने कहा कि अब आपके दायरे में पूरा महाविद्यालय आ गया, केवल ये कुछ चीजें बांटना नहीं, आप बौद्धिक रूप से भी बहुत सारे कार्यक्रम रेगुलर करा करके छात्रों का इस तरह से उत्साहवर्धन कर सकते हैं। तो ऐसी सोच के लिए इस छात्र कल्याण समिति के सभी सदस्यों का मैं स्वागत और मंच से आज आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक अच्छा क्रिएशन दिया है महाविद्यालय को और ये आगे दिन प्रतिदिन अच्छा करता रहेगा। छात्र बैठे हुए हैं, आप सबको भी इस ठंडक में बहुत सारी दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। सुबह की परीक्षा, बहुत सारे बच्चे आते हैं, दे दिए तो ले लेते हैं, कहते हैं सर हम लिख के देंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला जी, धन्यवाद मैडम। मंचस्थ लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्रबंध तंत्र के उपाध्यक्ष वर्षा सिंह जी, प्रबंध समिति के सचिव श्री उमेश शाह जी के सामने कि कितना इस समिति में विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। हमारी समिति में नौ सम्मानित प्राध्यापकगण हैं, प्राचार्य जी से संरक्षक हैं और नौ विद्यार्थियों को बीच में रखा गया है जो हर विभिन्न संकायों के हैं, बीएड के भी हैं, बीएससी के भी हैं, बीएससीएचडी के भी हैं, आर्ट्स फैकल्टी के भी हैं, कि बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था रहे। ये छात्रों के कल्याण के लिए समिति बनी है
तो इसमें छात्रों की सहभागिता भी रखी गई है कि उन बच्चों को चिन्हित करने में, यद्यपि महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों से निवेदन किया गया है कि समिति में भले 9 लोग हैं या 9 विद्यार्थी हैं, लेकिन जितने भी गुरुजन महाविद्यालय में हैं, अगर अपने बच्चों को देखते हैं कि वो अभावग्रस्त हैं और उनको स्वयं भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आप निवेदन कर दो और आपको स्वेटर के रूप में, पुस्तकों के रूप में, डेस्क के रूप में सहायता दिलाई जाएगी। और ऐसा ही किया गया है, शायद ये सब सराहनीय है, ये प्रयास सबका कि सभी ने इसके साथ। और जितने भी बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं, से यहाँ आज बैठे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगी एक सपना संजोइए, सपना देखिए कि हमें जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त करना है, क्योंकि आज के कार्यक्रम का जो टाइटल है विद्यार्थी सशक्तिकरण, आपको सशक्त बनाया जा रहा है। ये हैं उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे प्रबंध तंत्र के सचिव श्री उमेश साहू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और हमारे बच्चों को अपने आशीर्वचन से अब सिंचित करें। श्री उमेश साहू जी। और सर हम प्रिंसिपल से आपको जताएं कि आपको हम कुछ दे रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कभी लाइफ में ये एक्सक्यूज मत आने दीजिएगा अपनी लाइफ में कि मेरे पास क्या नहीं है। सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्या आपके पास है और उसका आप बेस्ट से बेस्ट क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर आप इस चीज में फंसे रहेंगे कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं वो कर लेता, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आपके पास है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करिए, उस अपॉर्चुनिटी का यूज करिए। और यही हम लोग का कॉलेज के मैनेजमेंट का और टीचर्स का काम है जो ये लोग कर रहे हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट सुविधा प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसका यूज़ कैसे करेंगे ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है 12th Fail, आई थिंक कुछ लोगों ने देखी होगी। कितने लोगों ने देखी है? गुड। बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जरूर देखिए इस मूवी को। शायद जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप बेटर रिलेट कर पाएंगे उस मूवी को देख करके। उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था, मतलब शायद आपका जो जीवन है उससे भी बहुत गरीबी में उसने वो जीवन काटा और वो आगे जा करके IPS ऑफिसर बना। उस मूवी को देखिएगा तो आप मेरी बात रिलेट कर पाएंगे। आपको ये टीचर्स, यहाँ पे 9 टीचर्स आपकी कमेटी में हैं और 9 स्टूडेंट्स आपकी कमेटी में हैं। मैं चाहूँगा स्टूडेंट से कि इन लोगों के लिए आप लोग एक बार जरूर ताली बजाएं, क्योंकि ये कहना आसान होता है आप लोगों से पूरी लिस्ट लेना, उसको कंपाइल करना, किस स्टूडेंट को क्या दिया जाए, वो उसके पात्र है कि नहीं है, बहुत इसमें होमवर्क करना पड़ता है। और ये लोग का ये जॉब रोल नहीं है, इनका जॉब रोल है पढ़ाना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इनका जॉब रोल है सिर्फ आकर के आपको क्लास में पढ़ाना। ये जो ये काम करते हैं ये आपके हित में एक्स्ट्रा काम करते हैं। हमेशा मन में ग्रैटिट्यूड रखिएगा, किसी भी लाइफ में कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है ग्रैटिट्यूड, अगर हिंदी में बोले तो एक धन्यवाद मन में रहना चाहिए कि इसने मेरे लिए किया। जो भी लाइफ में आपके जीवन के शुरू में, स्टूडेंट्स लाइफ में, जो भी जिन लोगों की वजह से भी आप लाइफ में कुछ बनोगे, हमेशा उनका ग्रैटिट्यूड रखिएगा मन में। और जितने स्टूडेंट्स हैं इस कमेटी में, मैं बात भी कर रहा था, स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से नए नए विचार आए कि हम इस प्रोग्राम को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस छात्र कल्याण कमेटी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये प्रोग्राम अगर आपको स्वेटर बांटनी है तो नवंबर एंड या दिसंबर के शुरू में प्लीज करिएगा नेक्स्ट ईयर से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा
कि अगर हम जाड़े में किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो एटलीस्ट उस जाड़े में उसके काम आए। थैंक यू। सचिन सर की सोच, इनका चिंतन कितना सकारात्मक है, सदैव आपके हित की बात। किसी भी मीटिंग में मैंने सचिव सर को देखा तो हमेशा सर्वोपरि उन्होंने स्टूडेंट्स को ही रखा है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री संजय छाबड़ा जी को, आमंत्रित करती हूँ आप आए और हमारे इन बच्चों को आशीर्वाद दें। हम लोग यहाँ के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं 95 बैच कॉम। रेखा मैडम पढ़ाती थी हम लोग के टाइम में, आप भी सर थे, हम लोग का बहुत इंप्रेशन रहा। थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे वर्ड्स बोले। हम लोग का प्रिंसिपल सर, रक्षा मैम, इंग्लिश सर, आज जो हम छात्र सशक्तिकरण कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैं तो पहली बार आया हूँ इस प्रोग्राम में। और अभी उमेश जी का मैंने, आप कुछ भी हो, वो आटा आटा पीसता था, आटा गेहूँ पीसता था, आटा बेचता था दिन में और रात में पड़ता था, और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने स्ट्रगल करके और उसके फ्रेंड्स ने उसको सपोर्ट किया कि आप कैसे पढ़ना है, वो आगे बढ़ा। तो ये मैं समझता हूँ अब तो हमारे कोटा से बहुत से बच्चे PCS में आ रहे हैं और एक बेटी यहाँ IAS में भी, I-62 रही थी ऑल इंडिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से जो बच्चे बैठे हैं, कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उस अचीवमेंट पे पहुँचें। उसके लिए मेरे बेस्ट विशेज हैं, आप लोग आगे बढ़ें, हम लोग का नाम रोशन करें, हम लोग भी गर्व से कह सकें कि हमने उनको जानता है। थैंक यू सो मच। अब मैं इस शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। अभी तक तो जैसे प्राचार्य जी के लिए मैं बोलती हूँ कि कॉलेज में, घर में हर समय कॉलेज के हित की बात सोचते रहते हैं, लेकिन हमारी सचिव मैम ये तो हमें लगता है सपने भी नींद में महाविद्यालय के लिए ही देखा करती हैं कि कब क्या कराना है। जागते हुए तो सोचती ही है, ये जब सो जाती है निद्रा में भी इनको सपने महाविद्यालय के लिए आते हैं, तभी ये अक्सर आती है और कहती है प्राचार्य जी आज ये कर लिया जाए, ऐसे अच्छा कर लिया जाए। मुझे लगता है आप सभी के मार्गदर्शन में ये महाविद्यालय वर्ष 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा तो गर्व से हम सभी कह सकेंगे LBS डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है और ये मार्गदर्शन आप सभी से हमारे बच्चों को प्राप्त हो रहा है। हम बहुत बहुत साधुवाद आपका करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने प्रबंध तंत्र की बहुत ही डायनेमिक उपाध्यक्ष वर्षा सिंह जी को, जो अपने आशीर्वाद से भी वर्षा करेंगी आपके ऊपर। थैंक यू सो मच रेखा मैम। गुड आफ्टरनून गाइस, बोर हो गए सबको सुन सुन के। ये हम लोग का ट्रिक था कि पहले सामान नहीं बटवाएंगे ताकि आप लोग हमें ध्यान से सुने। रेखा मैम ने मुझे सचिव उपाध्यक्ष सब बना दिया है तो मैनेजमेंट में मेंबर्स कम हो गए। ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द कमिटी संजू सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, Professor Shivsaran sir, Rekha ma'am, and everybody else, all the professors and students seated here. And a special shout out to Chaman ma'am for always being so happily providing us the support for all the cultural and ongoing programs of the college. Thank you ma'am. सबने 12th fail की बात की है, 12th fail आना है मुझे का? अच्छा भाई, यहाँ बैठे सारे बच्चे ऑनरेबली पास होके 12th से आए हैं और बहुत हमारा बहुत मान और सम्मान आप बढ़ाते हैं। आज ही हमें प्रिंसिपल सर ने बताया कि हमारे बीएड के छात्र ने टॉप किया है। सो बिफोर आई बिगिन दिस, जिन लोगों ने ये मूवीज नहीं देखी हैं, टू बिगिन विद सबने उस मूवी की बात की है, जिन लोगों ने देखी है, जिसने नहीं देखी है, दैट मूवी ओनली टॉक्स अबाउट मोटिवेशन। लाइफ में एक सही मोटिवेटर होना चाहिए, इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम के टाइम पे हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, राइट?
जीवन में जब भी आपको एक सही मोटिवेशन मिलेगा, आप में से जीवन में कोई भी कहीं भी बैठा हुआ कुछ भी कर सकता है। एक प्लस पॉइंट बताती हूँ आपको, जिन लोगों के पास आर्थिक तरीके से वो चीजें उपलब्ध नहीं है जो ईश्वर की दया से बाकी लोगों को है, आपको पता है उसका सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या होता है? मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है जहां पर आप जीवन में हैं, प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए और इतना प्रयास कीजिए कि आप उस जगह से हट के किसी बेहतर जगह जा सके। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेटर है। दूसरी चीज, आस्किंग हेल्प, जीवन में मदद मांगना, सही लोगों से मदद मांगना, सही चीजों के लिए मदद मांगना गलत नहीं होता, वो आर्थिक तरीके से हो, मानसिक तरीके से हो, शारीरिक तरीके से हो, किसी भी तरीके से। अगर आपको लगता है कि आप किसी से सहायता मांग सकते हैं और सहायता से आपके जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है, आगे बढ़िए और सहायता को मांगिए सही लोगों से, इससे आपका कद नहीं छोटा होगा। कभी इस बात से शर्म मत करिए, आप कहीं भी हो जीवन में, हम आजीवन अपने माँ बाप से मांगते हैं, मांगते हैं नहीं मांगते हैं, शर्म आती है क्या? वैसे ही आप जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप अपने गुरुजन से मांग सकते हैं, आप अपने प्रबंधन से मांग सकते हैं। और आपको इतना बता दें, आप सब अपने में बहुत शक्तिशाली हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपकी आर्थिक स्थिति जीवन में कैसी है। कभी इस बात से शर्म नहीं करिएगा कि ईश्वर ने मुझे कहाँ पैदा किया है, या मेरे माँ बाप किसान क्यों ठहरे, या बहुत सारे लोग आते हैं जिनके माँ बाप का शायद चक्की का बिजनेस है या आरा मशीन का बिजनेस है जिसमें शायद इतना पैसा नहीं आता, पर आपको शिक्षा का एक प्रांगण मिला हुआ है, आप यहां से उठ के कुछ भी बन सकते, प्रोवाइडेड आप बनना चाहें। लाइफ में किसी चीज का मलाल मत रखिएगा। हमारे प्रोफेसर सर ने इस चीज का नाम बदल के सशक्तिकरण कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है हम सब अपने में बहुत शक्तिशाली हैं। फाइंड द राइट इन्फ्लुएंस इन लाइफ, और आज से लेके जीवन में जब तक आपकी सांसें चलती वो करिए जो मैं रोजाना करती हूँ। एक डायरी लीजिए, रोज नए दिन पे सुबह उठ के सबसे पहले उस पे उस दिन की तारीख डालिए, दिन डालिए, और 10 ऐसी चीजें लिखिए जिसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। रोजाना करिए, ये निरंतर करिए, ये मैं रोज करती हूँ, ये मैं रोज करती हूँ। एवरी डे व्हेन आई वेक अप फ्रॉम द बेड, मैं अपना फोन नहीं देखती, और ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। 10 ऐसी चीजें लिखिए जिसको आप, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आपकी आंखें स्वस्थ हैं, आप देख सकते हैं, शुक्रिया करिए। आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप स्वयं से खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, थैंक यू करिए। आपको साफ पानी मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, शुक्रिया करिए। आपके माँ बाप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, थैंक यू करिए। थैंक यू करिए कि आपके बाल घने काले लंबे हैं मेरे, जिससे आप रोजाना खुश होते हैं। थैंक यू करिए कि आपकी टीचर आपको डांटती नहीं है। थैंक यू करिए कि आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं। थैंक यू करिए कि आप लाल बहादुर शास्त्री जैसे डिग्री कॉलेज का हिस्सा। मैं उस बात का शुक्रिया करिए और उन बातों का भी शुक्रिया करिए जिसको आप अपने जीवन में चाहते हैं। थैंक यू करिए अगर जेब में 1 रुपए का सिक्का भी है, बहुत लोगों की जेब में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत टाइम तो शुक्रिया करिए जब आपकी जेब में 1 रुपए का सिक्का। डू वी अंडरस्टैंड? सो जितना है ट्रस्ट में बहुत है, इससे ज्यादा बनाने की इच्छा है तो अपने अंदर गुण पैदा करिए, अपने हाथों में अपनी बुद्धि में वो वेरे डालिए, मेहनत करिए,
किसी एक चीज का मोटिवेशन लीजिए जो भी आपको लगता है, आपके माँ बाप, आपकी आर्थिक स्थिति, कोई प्रोफेसर, किसी के जीवन से आप इंस्पायर्ड है, किसी चीज को भी अपना मोटिवेशन बनाइए और निरंतर उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन मैं आप में से किसी की स्टोरी हम लोग यहाँ एलईडी पे देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच गाइस। तिवारी ये वहां पर साइन करें, जिन बच्चों के मैंने नाम लिए साइन के लिए आ जाए, लाल जी, अलका तिवारी, छवि कसौटन, छवि मुकेश कुमार पांडे एमए, शंभुनाथ शुक्ला, थोड़ा जल्दी आइए बेटा, रेखा पांडे, बिना साइन किए मत आना बेटे, साइन करके आते जाइए, रेखा पांडे, पिंकी पांडे, पूनम सोनकर, ये बच्चे साइन कर ले और आते जाए नंबर से। साइन करा दीजिए बेटे, पूनम सोनकर, साक्षी कसोधन, आरती यादव, प्रिया शुक्ला, अंजलि वर्मा बी ए फर्स्ट सेमेस्टर, प्रिया शुक्ला साइन करके बिना ना आए बच्चे, वहां पर साइन करें, साइन करके आए, क्या नाम है, चलिए आरती यादव बी ए फर्स्ट सेमेस्टर, प्रिया शुक्ला, बिना साइन किए कोई बच्चा ना आए यहाँ पर। अनुज वर्मा, सौरभ मिश्रा, हर्ष कुमार साहू, विशाल गुप्ता, पूजा सिंह, जल्दी से आए साइन के लिए, ये बच्चे जल्दी से आए साइन के लिए। साइन के बिना ना आए कोई भी बच्चा, जो साइन करता है तेजी से आते हो बच्चा। अंजलि वर्मा बी ए फर्स्ट सेमेस्टर, सौरभ मिश्रा बी कॉम, हर्ष कुमार साहू बी ए फर्स्ट सेम, क्या नाम, हर्ष कुमार साहू, विशाल गुप्ता, पूजा सिंह, आरती पांडे, पलक सिंह, आरती पांडे तेजी से आ बेटा, आरती पांडे, पलक सिंह, सत्य प्रकाश गुप्ता, शिवांगी तिवारी, प्रियांशी बी ए सेकेंड सेमेस्टर, प्रियांशी बी ए सेकेंड सेमेस्टर, प्रियांशी जोया, बिना साइन के कोई बच्चा लेने ना आए, जोया बानो बी ए सेकेंड सेमेस्टर, शाह बानो बी ए, सलोनी एम ए फर्स्ट सेमेस्टर, शिवा शुक्ला, लवकुश आलोक, लवकुश आलोक, सतीश चंद्रा, चलिए फटाफट फटाफट यार, सुधांशु कुमार तिवारी, आरती सिंह, विपिन सिंह, मनजीत सिंह, आरती सिंह बी ए फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर, विपिन सिंह बी ए फिफ्थ सेमेस्टर सेमेस्टर, नीरज तिवारी एम ए थर्ड सेमेस्टर, उमा प्रताप मिश्रा एम ए फर्स्ट सेमेस्टर, दिव्यांशी अवस्थी बी एस सी थर्ड सेमेस्टर, मोहू शुक्ला एम एस सी फर्स्ट सेमेस्टर, जयप्रकाश विश्वकर्मा बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर, लक्ष्मी शुक्ला बी एस सी थर्ड सेमेस्टर, अपना लक्ष्मी शुक्ला आई है, लक्ष्मी शुक्ला आई है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, मानसी पांडे बीएससी थर्ड सेमेस्टर, मानसी पांडे, ललिता देवी पासवान बीएससी थर्ड सेमेस्टर, देवानंद शुक्ला
शुक्ला बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, अमन पांडे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सत्यदेव यादव बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सत्यदेव यादव बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। All teachers and dear students, on behalf of Student Welfare Committee, I thank you all from the core of my heart for being here and to successfully conduct this program. Thank you very much, and be all be lifted for the last class.